महिला सशक्तिकरण में अगर वास्तविक रूप से कोई काम हुआ है तो नीतीश कुमार नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही। 2005 से सारी पूरे बिहार की महिला सुरक्षित महसूस होती है। सिर्फ सुरक्षित ही नहीं है, सशक्त भी है, आत्मनिर्भर भी है। सरकारी नौकरी में 35% का जो आरक्षण दी है, महिलाएं अब सुरक्षा मांग नहीं रही है, सुरक्षा दे रही है। उन्होंने इतना सशक्त कर दिया है महिलाओं को कि वो पुरुषों को सुरक्षा दे रही है। पहला देश है बिहार जहां महिला सशक्त है और हमारा राज्य भी सशक्त हो गया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण ही महिलाएं सशक्त है। समाजवाद के जो नेता है हमारे नीतीश कुमार जी, उन्होंने बहुत सारे वर्क किए हैं। महिला दिवस के अवसर पे जदयू में महिलाओं का महिला दिवस मनाया जा रहा है। देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो जदयू की कार्यकर्ता महिलाएं हैं वो देख लीजिए, भारी संख्या में आई है। एक एक करके सभी महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। क्या लगता है बिहार में नीतीश जी का राज चल रहा है, महिलाएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित हैं, एकदम सुरक्षित हैं। पूरे बिहार में महिला सुरक्षित हैं क्योंकि उनके राज्य में कभी कुछ हुआ ही नहीं, वो अच्छा ही किए हैं। बिहार में जब से 2005 से उनकी सरकार बनी है, 2005 से सारी पूरे बिहार की महिला सुरक्षित महसूस होती है। महिलाएं सुरक्षित, क्या क्या सही महिलाएं आज के दौर में सुरक्षित है बिहार में नीतीश जी का? सिर्फ सुरक्षित ही नहीं है, सशक्त भी है, आत्मनिर्भर भी है, अपना रोजगार स्वयं कर रही हैं। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हर फील्ड में उन्हें मिला है, चाहे पुलिस की नौकरी हो। महिलाएं अब सुरक्षा मांग नहीं रही है, सुरक्षा दे रही है। उन्होंने इतना सशक्त कर दिया है महिलाओं को कि वो पुरुषों को सुरक्षा दे रही है। इसीलिए आप ये सवाल ही बेमानी है कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। महिलाएं तो आप लोगों को सुरक्षा दे रही हैं। महिलाएं कहीं ना कहीं आज नीतीश जी को पार्टी में आज महिलाएं आयोजन कर रही है, एक तरह से माहौल बनाएगी। आज नेता अपने नेता के बारे में आप क्या सोच? आज जो आपको दृश्य दिखाई दे रहा है, यह हमारा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है। जो महिला जो है सो अपनी शक्ति से कितना प्रदर्शन कर सकती है। जब तक महिला आपका सशक्त नहीं होगा तब तक आपका राज्य सशक्त नहीं होगा, आपका देश सशक्त नहीं होगा। तो मेरे बिहार राज्य में अभी अगर कोई सशक्त है तो सबसे पहला महिला सशक्त है, जिन्होंने वो भागीदारी जो पंचायती राज में दी है 50% आरक्षण का, उसका लाभ उठा रही है। नौकरी में आरक्षण का जो लाभ दे रहे हो उसका लाभ उठा रही है। तो मेरा मानना है जो पूरे देश में सबसे पहला देश है बिहार जहां महिला सशक्त है और हमारा राज्य भी सशक्त हो गया है। देखिए जो महिलाएं आई हैं, हम एक एक करके महिलाओं को विकास करने के लिए नीतीश जी काम किए हैं, महिलाएं लग रही है आज? एकदम लड़ रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण ही महिलाएं सशक्त है। आप लोग जान रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया, तो आज हम लोग मुखिया जिला परिषद पंचायत समिति के नाम से जाने जाते हैं। देखिए जो महिलाएं हैं उनका सीधे तौर पर कहना है कि सशक्त और स्वावलंबी बनाने, आज की महिलाएं कितनी सुरक्षित है नीतीश कुमार के राज्य? बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जब से शासन है विगत 18 वर्षों से, तो महिला सशक्तिकरण में अगर वास्तविक रूप से कोई काम हुआ है तो नीतीश कुमार नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार का विकास हुआ है और महिलाओं को है ना सम्मान मिला है। आज हम लोग महिला दिवस के अवसर पर कर्पूरी सभागार में उपस्थित हैं और नेता नीतीश कुमार जी के कार्यों के बारे में भी बताएंगे कि उन्होंने किस प्रकार महिलाओं के हित में, चाहे वो है ना शराबबंदी योजना हो, महिला उद्यमी योजना हो, बाल विवाह जैसे कुरीतियों को दूर करने के लिए माननीय नेता के द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर किस प्रकार से है ना अवेयरनेस कार्यक्रम किया गया, तो ये सब तमाम बातें हैं। समाजवाद के जो नेता हैं हमारे नीतीश कुमार जी, उन्होंने बहुत सारे वर्क किए हैं। केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा, किशोरी उत्थान योजना, साइकिल योजना, बालिका पोशाक योजना, ये तमाम योजना है। और 50% है ना पंचायती राज में व्यवस्था जो महिलाओं के लिए आरक्षण दी है, और सरकारी नौकरी में 35% का जो आरक्षण दी है, वैसा आज तक किसी नेता ने नहीं किया है। बिहार के इतिहास में हमारे नेता का जो कार्य किया गया है वो काफ़ी निर्णायक है और हम लोग महिला इस खुशी में आज महिला दिवस मना रहे हैं। ये
के जो नेता हैं हमारे, वो हमारे लिए कितना कुछ किए गए हैं वो निर्णायक है। महिलाओं का कहना है कि महिलाएं आज के दौर में बिहार में नीतीश के राज में केवल और केवल सुरक्षित नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनी है, स्वावलंबी बनी है। ये देन अगर मुख्यमंत्री का है तो नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार ने बिहार के महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, स्वावलंबी बनाया है। हालांकि इस चीज को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद। Yeah.